हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ब्रशलेस मोटर ड्रोन की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह के बैग में आता है, यही इसकी पैकिंग है। इसी के अंदर हमारा ड्रोन होता है और काफी बढ़िया इसकी पैकिंग है और बैग की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। तो अभी यहाँ पर एक आपको चैन मिल जाती है, यहाँ से आप इस बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सारी एसेसरीज आपको आपके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर हमारी सारी एसेसरीज बॉक्स के अंदर है। अभी फटाफट से मैं ये सारी चीजें पहले बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीजें बॉक्स के बाहर आ गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दो मैनुअल्स मिल जाते हैं। मैनुअल्स, पहला वाला जो मैनुअल है जिसमें क्यूआर कोड है, ये आपका कैमरा मैनुअल है। इसे स्कैन करके आप इसकी ड्रोन की कैमरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर KYUFO सर्च करके सीधा प्ले स्टोर पे भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पीछे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे काम करती है ये सारे फंक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताए हुए हैं। बाकी आपके पास ये सेकंड मैनुअल है, सेकंड मैनुअल में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है, रिमोट कैसे काम करता है। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एक की के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि यहाँ पर रिमोट कैसे काम करेगा, ठीक है। बाकी बैटरी इंस्टॉलेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि आपको रिमोट में कैसे बैटरी इंस्टॉल करनी है और आपके ड्रोन में कैसे बैटरी को इंस्टॉल करना है और कैसे चार्ज करना है। तो बाकी फ्लाइंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इसमें दिए होते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक पैकेट मिल जाता है, इस पैकेट के अंदर आपको कुछ एसेसरीज मिल जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ चार एक्स्ट्रा प्रॉपलर्स देखने के लिए मिल जाती हैं। जब आपके ड्रोन की प्रॉपलर डैमेज हो जाएंगी तब आप इनका यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ड्रोन में पहले से ही लगी हुई है। जब वो डैमेज हो जाएंगी तब आप इनका यूज कर पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, इससे आप अपने ड्रोन को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये है एक USB to Micro USB केबल जिससे आप अपने ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दो स्क्रू मिले हैं जिनका यूज आप बाद में कर सकते हैं। अभी यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसका रिमोट दिखा देता हूँ। रिमोट आप देख सकते हैं काफी ज्यादा क्लासिक सा है और डिजाइन भी काफी बढ़िया है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में दो जॉयस्टिक मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको जो इसकी जॉयस्टिक है वो नीचे की साइड में देखने के लिए मिलती है। बाकी दोस्तों इसकी जॉयस्टिक यहाँ से निकाल के कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इन्हें लगा लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जॉयस्टिक मैंने इसमें अच्छी तरीके से लगा दी है। अब दोनों जॉयस्टिक का काम क्या है, पहली वाली जो जॉयस्टिक है उससे आप ड्रोन को अप डाउन लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट कर सकते हैं, सेकंड वाली से फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके नीचे वाला जो बटन है ऑन ऑफ का है, ये 360 फ्लिप के लिए है, ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए। इसके सेंसर सारे ऑन हो जाते हैं इस बटन को प्रेस करते ही। बाकी इसके नीचे 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए बटन मिल जाता है। और जस्ट इसके ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कैमरा के लिए बटन मिल जाता है। कैमरा को अप एंड डाउन आप रिमोट से ही कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप रिमोट से ही कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि ड्रोन का कैमरा है। बाकी दोस्तों यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहीं से आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मोबाइल होल्डर जिसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं, जिससे कि आपके ड्रोन की जो कैमरा फुटेज है वो लाइव आपको आपके सामने ही मोबाइल में आपके दिखाई देती रहेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बैटरी डलती है, पीछे की साइड में 3 बैटरी डलती है, आप चार्जेबल या नॉन चार्जेबल जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। मैं नॉन चार्जेबल का यूज कर रहा हूँ, एक बार डालने पे 5-6 महीने इजिली चल जाएंगी। तो अभी मैंने बैटरी डाल दी है, जैसे ही मैं ऑन करके देखता हूँ तो यहाँ पर इंडिकेटर लाइट वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब हमारा रिमोट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अभी आपको मैं ड्रोन दिखा देता हूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा कमाल का और एकदम यूनिक सा ड्रोन है और इसकी लुकिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्रशलेस मोटर है इसमें चारों ब्रशलेस मोटर का यूज किया गया है, जो कि नॉर्मल मोटर से कई ज्यादा बेटर होते हैं और स्टेबिलिटी भी इस ड्रोन को काफी अच्छा दे देते हैं। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन भी है ऊपर की साइड में देखेंगे तो, और यहाँ पर इसके सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए हैं, जिससे कि ये दीवार से या किसी चीज से टकराता नहीं है, रुक जाता है। तो अभी सेंसर तो आपने इसके देख लिया, अभी इसका साइज देखते हैं कि देख सकते हैं ये मेरे हाथ में ही इजिली आ जा रहा है फोल्ड करने के बाद। देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया सा है, मतलब आप इसे पॉकेट ड्रोन भी कह सकते हैं, आप इसे अपने हाथ में ही कहीं भी ले जा सकते हैं, जो कि एक DJI के ड्रोन जितना ही इसका साइज है, जो कि मिनी आता है उसके जितना ही इसका साइज है। और ये कॉपी भी मिनी की है, बिल्कुल कॉपी उसी की जैसा ही लगता है, जैसे कि Mavic Mini 3 है उसके जैसा ही देखने में ये लगता है। तो देख सकते हैं मैंने इसे अनफोल्ड कर लिया है, और अनफोल्ड करने के बाद अब आप इसका साइज देख सकते हैं क्या ही बड़ा ये हो जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, मतलब फोल्ड करो तो छोटा सा हो जाता है और अनफोल्ड करो तो बड़ा सा हो जाता है। तो ये चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। और आगे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसकी इंडिकेटर लाइट्स हैं और यहाँ पर इसका कैमरा है जिसे आप रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर या नीचे में एडजस्ट कर सकते हैं, और ये गिम्बल के अंदर फिटेड है। तो अभी आपने देख लिया इसका कैमरा, एक कैमरा इसमें नीचे की साइड में भी दिया गया है जो कि ये डुअल कैमरा ड्रोन है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और बाकी इसके पीछे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लगी होती है इसमें बैटरी, तो इस बैटरी को आप कुछ इस तरह से प्रेस करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली है इस बैटरी को चार्ज करना, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। सिंपल इसके साथ जो आपको चार्जर मिलता है उसे आपको यहाँ पर लगा देना है, कुछ इस तरीके से लगाना है, और एक USB अडेप्टर के थ्रू इसे चार्ज कर लेना है। बैटरी में ग्रीन और रेड कलर की लाइट जलती है जो कि आपको बता देती है कि आपकी जो ड्रोन की बैटरी है वो फुल चार्ज हो गई है। उसके बाद आप अपनी बैटरी को ड्रोन में वापस से लगा सकते हैं।
ठीक है। तो अब देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत इजीली तरीके से इसकी बैटरी को फिट कर दिया है। उसके बाद आप जैसे ही ऑन ऑफ के बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, आपका ड्रोन की इंडिकेटर लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगी, जिसका मतलब है आपका जो ड्रोन है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके इसी बटन को अगर आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है, और उसी बटन को आप 2 सेकंड के लिए दोबारा से प्रेस करेंगे जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे जो ड्रोन की इंडिकेटर लाइट्स हैं वो कितनी ज़्यादा कमाल की हैं, मतलब चारों तरफ इसमें इंडिकेटर लाइट दी गई हैं, मतलब कि आप इसे नाइट में भी बहुत इजीली फ्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर भी 4 इंडिकेटर लाइट आपको मिल जाती हैं, जो कि हर ड्रोन में नॉर्मल मिल ही जाती है। तो बहुत सारी इंडिकेटर लाइट है इसमें, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें जो कि एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारा ड्रोन ऑन है, अभी मैं आपको रिमोट भी ऑन करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को अप एंड डाउन करना है, आपका रिमोट जो है आपके ड्रोन से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर करेंगे आपका ड्रोन फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अभी रिमोट को रखते हैं साइड में, इसका कैमरा मैनुअल को उठा लेते हैं और उसकी एप्लीकेशन को, जो कि हमारे ड्रोन की एप्लीकेशन है, इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको QR स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाता है, उससे आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है और यहाँ पर जो लिंक मिलेगा आपको लिंक पे प्रेस कर देना है। जैसे आप लिंक पे प्रेस करेंगे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे iOS एंड एंड्रॉयड के लिए, और तीसरा ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, आपको बीच वाला अगर एंड्रॉयड है तो बीच वाले को यूज कर लेना है, एंड्रॉयड गूगल। आप सीधा प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, आप सीधा प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं KYUFO, यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो अभी देख सकते हैं मैंने इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल की हुई है, मैं सीधा इसे ओपन कर सकता हूँ। तो चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं जो कि हमने डाउनलोड की थी। लेकिन इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग में जाना होगा, क्योंकि आपको आपके ड्रोन को भी कनेक्ट करना होगा मोबाइल से वाईफाई के थ्रू। तो यहाँ पर आपको फोलो वाईफाई मिल जाएगा, आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। तो अभी आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपके ड्रोन का कैमरा जो है इजीली आपके मोबाइल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कैमरा इसका बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, कोई लैग वगैरह भी नहीं है। तो मुझे अभी तक इसका कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है, बाकी ग्राउंड में जाके देखेंगे कि इसकी कैमरा क्वालिटी किस तरह की है। तो अभी तो काफ़ी बढ़िया लग रही है मोबाइल में देखने में, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों ये जो कैमरा है ये आपका 1080 पिक्सल 30 फ्रेम पर रिकॉर्डिंग करता है। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं आपके इसके कुछ फंक्शंस दिखा देता हूँ, जैसे कि मोबाइल में ही आपको मिल जाते हैं ऐप के अंदर ही, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फोटो के लिए और स्पीड मोड के लिए। बाकी कैमरा को स्विच कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इसका नीचे का कैमरा ऑन हो जाता है अगर आप कैमरा को स्विच करते हैं। तो इसका नीचे का कैमरा जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ऊंचाई पर फ्लाई करना पड़ता है, जब जाके इसका नीचे का कैमरा सही से दिखता है। तो बाकी मैंने इसके सारे फंक्शन लगभग आपको दिखा दिए मोबाइल ऐप के, और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल को भी मोबाइल होल्डर में लगा लिया है, जो कि रिमोट में ही लग चुका है, और हमारे जो ड्रोन की कैमरा फुटेज है वो हमें सामने ही अपने मोबाइल में रिमोट में ही लगे हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप इसके कैमरा को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका कैमरा एडजस्ट हो रहा है आपके रिमोट से ही, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको फ्लाई करने के लिए बस फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर करना है और आपका ड्रोन फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों अभी लेके चलते हैं इसे ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग और इसकी कैमरा टेस्टिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पर आप इस ड्रोन को देख सकते हैं, यार क्या स्टेबिलिटी है इसकी, मज़ा आ जाएगा आपको इसे फ्लाई करके। और एक तो ब्रशलेस मोटर ड्रोन है ये, इसलिए बहुत स्टेबिलिटी के साथ फ्लाई करता है। ऊपर से यार इसके जो ड्रोन के मोटर हैं वो इतने ज़्यादा साइलेंट है कि आपको ड्रोन ऊपर उठ जाता है और पता भी नहीं चलता, मतलब काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। जैसे कि नॉर्मल ड्रोन काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, उसमें मज़ा सा नहीं आता है, लेकिन इस ड्रोन की जो साउंड है वो इतनी ज़्यादा कम है कि मज़ा आता है इसको फ्लाई होते हुए देख के, और काफ़ी ज़्यादा साइलेंट और स्मूथ तरीके से इसकी प्रॉपलर घूमती हैं। तो अभी देख सकते हैं क्या स्टेबिलिटी है, एक जगह पर रुक जाता है, बिल्कुल मज़ा आता है इसको फ्लाई करने में। और बाकी 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपको इसमें मिल जाता है, 6 एक्सेस 0 मिल जाता है, हैंडलेस मोड भी इसके अंदर है, और इसकी जो हाइट है वो अपने आप लॉक रहती है, आपको ऊपर नीचे इसे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी बैरोमीटर हाइट सेट मिल जाता है आपको इसमें। और अभी देख सकते हैं मैं रिमोट से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये एक हाइट पर एक जगह पर रुका हुआ है। तो ये इसका काफ़ी बढ़िया फीचर है, और ज़्यादातर ड्रोन में ये मिल जाता है, लेकिन इस तरह से काम नहीं करता है कि एक जगह पे रुक जाए ड्रोन, हवा चलती है तो ड्रोन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये ड्रोन एक जगह पर रुका रहता है, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर है। बाकी दोस्तों बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 3.7 वोल्ट 2200 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि लगभग आपको 15 मिनट का प्ले टाइम दे देती है, जो कि इसके बॉक्स पर मेंशन किया गया था वो 18 से 20 मिनट था, और 18 से 20 मिनट का भी प्ले टाइम आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको सिंपल मोड में फ्लाई करना पड़ता है। अगर आप इसे ज़्यादा भगाते हैं इधर उधर या हाई स्पीड मोड में फ्लाई करते हैं तो इसका प्ले टाइम कम हो जाता है, और अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड मोड में फ्लाई करते हैं और ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं तो फिर इसका प्ले टाइम जो है आपको लगभग 18 से 20 मिनट का ही मिल जाता है। वो आपके फ्लाई के तरीके पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फ्लाई करते हैं।
बाकी दोस्तों अगर आप ज़्यादा तेज हवा में फ्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्ले टाइम कम मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में इसका मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, जिसकी वजह से इसका प्ले टाइम कम हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो कैमरा है उसे भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने रिमोट से ही, तो जो कि बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, आपको बार बार ड्रोन को उतार के मैनुअली हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो लगभग आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा प्ले टाइम उसके बाद दे देती है, जो कि आपको 18 से 20 मिनट का दे देती है, क्योंकि इसके बॉक्स पर मेंशन किया गया है, इसके मैनुअल में 20 मिनट का प्ले टाइम मेंशन किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अभी आप देख सकते हैं अगर इसे आप ऊंचाई पर भी ले जाते हैं तो ये बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ ही ऊपर जाता है, और काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ ही ऊपर भी टिका रहता है, मतलब इधर उधर नहीं भागता है। लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा में फ्लाई मत कीजिएगा, उससे थोड़ा सा दिक्कत होती है, हर ड्रोन को होती है। अगर आप किसी भी ड्रोन को बहुत तेज़ हवा में फ्लाई करेंगे, चाहे DJI का ही क्यों ना हो, दिक्कत करता ही है। बाकी दोस्तों बात करें इसके रिमोट कंट्रोल रेंज की, तो लगभग 100 से 120 मीटर की आपको रेंज मिल जाती है इसके, लगभग 400 फीट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, और काफ़ी बड़े एरिया में आप इसे इजिली फ्लाई कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा रेंज है। अगर आप किसी ड्रोन को सीखने के लिए लेते हैं तो यार ये बहुत बेस्ट ड्रोन है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से फ्लाई भी कर लेता है, मतलब प्रोफेशनल ड्रोन की तरह ही लगभग फ्लाई कर लेता है। तो दोस्तों अगर आप इसे कंपैरिजन करना चाहते हैं इसके वीडियो और फोटोग्राफी के प्रोफेशनल ड्रोन से, तो वहाँ पर आप इसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशनल ड्रोन काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और ये बहुत सस्ता है उसके मुकाबले में, तो यार उससे कंपैरिजन इसका नहीं किया जा सकता। बाकी जो भी है इसकी फुटेज है, इसकी कैमरा फुटेज क्वालिटी है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, ये पूरी वीडियो देख लेना, अगर उसके बाद भी आप इसे बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सीधा सर्च कर सकते हैं Exynos ड्रोन, तो आपको ये ड्रोन वहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, तभी आप इसे बाय करने की सोचना। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Smile until I look away. But I've known you too.